शिव शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ वर्षा और आप सभी को मेरा प्रणाम। न्यू मून और फुल मून में एनर्जी इतना इनबैलेंस क्यों होता है और कैसे उस टाइम में अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, आज का टॉपिक यही है। न्यू मून और फुल मून में एनर्जी इनबैलेंस क्यों होता है? आपके अंदर जितना अधिक निगेटिविटी होता है उस टाइम पर उतना ही अधिक एनर्जी इनबैलेंस होता है। अगर आप डीएफ हैं तो आप ये नोटिस करिएगा, आपकी एनर्जी फुल मून के टाइम ज़्यादा इनबैलेंस होता है और डीएम है तो न्यू मून के टाइम पे होता है। स्टार्टिंग में डीएम और डीएफ को न्यू मून फुल मून दोनों में ही एनर्जी इनबैलेंस होता है, बट मैं ज़्यादा इनबैलेंस कब होता है वो बता रही हूँ, डीएफ का फुल मून में और डीएम का न्यू मून में। जैसे जैसे इनर वर्क करते जाते हैं धीरे धीरे हम बैलेंस रहने लगते हैं, न्यू मून फुल मून की एनर्जी उतनी इफेक्ट नहीं करती है। तो ये न्यू मून और फुल मून के टाइम ही ऐसा क्यों होता है? हमारे बॉडी में, चक्रा में, सोल में जो निगेटिविटी होता है वो शांत रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे तालाब का पानी शांत रहता है और हम उसमें कंकड़ फेंकते हैं तो उसमें हलचल होता है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर निगेटिविटी शांत रहता है। और हम जैसे ही पूजा पाठ या इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, करने लगते हैं, हमारे अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वो एक्टिव होने लगता है, उसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है और बॉडी पेन, फीवर, हार्ट चक्र में पेन, हेडेक, पैरों में पेन होने लगता है। और ये न्यू मून फुल मून आने के 4 से 5 दिन पहले से स्टार्ट होता है। ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर की निगेटिविटी सरफेस पर आ जाती है। जैसे एनर्जी होती है वैसा ही उसका सिम्टम्स भी होता है। जब न्यू मून फुल मून में रोना आता है, एंगर आता है, तो ये हार्ट और थ्रोट चक्रा की निगेटिविटी होता है। बट जब हेल्थ इशू होता है, फीवर होता है, तबीयत खराब होता है, तो ये लोअर चक्रा की निगेटिविटी होता है। ये न्यू मून फुल मून आने के पहले से होने लगता है और न्यू मून फुल मून जब बीत जाता है तो 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है। आपको लगता है कि बैलेंस है अभी, पहले सरफेस पर आता है, मतलब कि वो बॉडी से रिलीज होना चाह रहा, और जब न्यू मून फुल मून बीत जाता है तो वो एनर्जी जो सरफेस पर आई है वो न्यू मून फुल मून की एनर्जी में रिलीज हो जाती है। महीने भर जो इनर वर्क करते हैं हम, जितना एनर्जी उस दौरान एक्टिवेट हो जाता है वो न्यू मून और फुल मून की एनर्जी के पहले सरफेस पर आता है और बाद में रिलीज हो जाता है। अगर आप न्यू मून फुल मून के दिन अपने निगेटिविटी को रिलीज करते हैं तो जितनी एनर्जी सरफेस पर आया है वो सारा रिलीज हो जाता है, और नहीं करते हैं उस दिन तो कुछ एनर्जी बच जाता है जो अगले मंथ में फिर रिलीज हो जाता है। जब इनर वर्क नहीं करते हैं यानी जब अवेकनिंग नहीं हुआ होता है उस टाइम भी ये सब होता है, तो वो डिवाइन करते हैं और एक निगेटिविटी को रिलीज होने में कई मंथ लग जाते हैं। और हम अगर इनर वर्क करते हैं तो जल्दी जल्दी रिलीज होता है, और जितना निगेटिविटी रिलीज होता है हम उतना ही बैलेंस होते जाते हैं। अब समझते हैं कि हम इनबैलेंस क्यों होने लगते हैं। जब निगेटिविटी सरफेस पर आता है तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होता है उस पर हमारी निगेटिव एनर्जी हावी हो जाता है, बिकॉज उसे रिलीज होना है। और सोल जब हायर सोल हो तो वो निगेटिविटी को झेल ही नहीं सकते, यानी कि हमारे बॉडी में, सोल में, माइंड में हर जगह एनर्जी होता है, वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जियाँ दोनों होती हैं जो आपस में लड़ रही होती हैं। इसी रीजन से हम इतने इनबैलेंस होने लगते हैं, हमें निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, कुछ भी करो बेटर फील नहीं होता। पहले वो निगेटिव एनर्जी रिलैक्स थी, अब वो एक्टिव हो गई है। अगर उसकी क्वांटिटी अधिक है तो वो पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। अब जिसका पलड़ा भारी होता है वही जीतता है, तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ये रह नहीं सकते एक साथ। इसीलिए हमारी पॉजिटिव एनर्जी इनबैलेंस होता है और हम इनबैलेंस होते हैं, बिकॉज हमारी सोल हायर पॉजिटिव सोल होती है, उसे पॉजिटिव एनर्जी ही चाहिए, निगेटिव नहीं। जिसकी सोल की जैसी एनर्जी होती है उसको वैसी एनर्जी ही चाहिए, वैसी एनर्जी से ही पावर मिलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, बहुत लोग जानते होंगे जब असुरों ने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया तो वो स्टार्टिंग में देवताओं की कॉपी करते थे। देवताओं के जैसे वस्त्र पहनना, पवित्र भोजन करना, सारी एक्टिविटी देवताओं की तरह करने लगे, तो इससे उनकी एनर्जी वीक होने लगी, वो पावरलेस होने लगे थे।
फिर वो अपने तरीके से रहने लगे, मांस भक्षण करने लगे, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है, उन्हें निगेटिव एनर्जी से ही पावर मिलता है। और उन्होंने जब पृथ्वी पर यज्ञ में मांस की आहुतियाँ डलवाने लगे तो उससे उनका पावर बढ़ता गया और देवताओं की ऊर्जा, उनका पावर कम होने लगा, क्योंकि उनकी सोल हायर पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करता है तो उनको पॉजिटिव एनर्जी से ही पावर मिलेगा। उसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई है तो रिलीजन मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर सिर्फ एनर्जी करता है। आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आप एक पॉजिटिव सोल हो, और आप जितना पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होंगे उसे रिसीव करेंगे, आप बैलेंस रहेंगे। तो जब भी न्यू मून या फुल मून आए आपको उस टाइम खुद का ध्यान रखना होगा। पहली बात, आप उस दिन अपनी निगेटिविटी को रिलीज करें, रात में करें, संभव हो तो फुल मून के दिन मून की एनर्जी में, मून की लाइट में करें। आप उस टाइम पानी अधिक पिएं, हो सके तो आप कहीं भी कम आए जाएं, ऐसा कोई आहार ना लें, कुछ ना खाएं जो आपको बीमार कर दे, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी को और बढ़ाए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उस टाइम पे अवॉइड करें, न्यू मून फुल मून के टाइम नॉनवेज ना खाएं, किसी भी निगेटिव पर्सन से अधिक बात ना करें। आप किसी पवित्र स्थान पर जाएं जहाँ जाकर आपको बेटर फील हो, फ्रेश एयर में रहें, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, खाली टाइम ज़्यादा ना रहें। आप उस टाइम सेट सॉन्ग तो बिल्कुल ना सुने, आप मंत्रा सुने, मंत्रा सुनने से भी निगेटिविटी रिलीज होता है। खुद को हायर एनर्जी में रखें। जब हार्ट चक्र में पेन हो, सफोगेशन फील हो, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, हार्ट चक्र मेडिटेशन करें। और एक बात कि उस टाइम पर कई बार मेडिटेशन करने का मन नहीं करता है तो आप कोई पीसफुल सॉन्ग म्यूजिक सुनकर हार्ट चक्र पर मेडिटेट करें। ये आवश्यक नहीं है कि आप मेडिटेशन पोजिशन में ही हों, आप किसी भी तरह से बैठ सकते हैं, बैठने का मन ना हो तो आप लेट सकते हैं। इस तरह से एनर्जी रिलीज होता है, निगेटिविटी रिलीज होता है। इस तरह से आप अपनी निगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं न्यू मून फुल मून में, और खुद को बैलेंस कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, आपको बेटर फील होगा, बैलेंस फील होगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।